हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर 1 रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए एमसीक्यू की तैयारी करेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हम जो है यहाँ पे जो है बुक से टेक्स्ट को लेंगे और उस टेक्स्ट को हम देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ऐसा जो है एमसीक्यू आपसे नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत डीपली बनाया है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का कौन सा वर्क है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 1869 और इनकी मृत्यु 1948 में। ये पॉपुलरली जो है बापू के नाम से या फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से भी प्रचलित हैं। ओके, लोकप्रिय हैं। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, यह स्पिरिचुअल लीडर जो हैं पॉलिटिशियन से ज़्यादा हैं। ओके, इनके जो चीफ वेपन्स हैं, मुख्य हथियार, ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इनके मुख्य हथियार कौन कौन से हैं? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। फ्रॉम 1915 टू 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स पर जो है या पूरी तरह से कब तक डोमिनेंट रहे, प्रभावशाली रहे, तो 1915 से लेकर 1948 तक। ओके, 1915 से लेकर 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को यह एक कट्टरपंथी के हाथों से जो है वहाँ मारे गए या इनकी मृत्यु हुई। ओके, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनके वर्क का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखी है। यह वर्क क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखी जाती है। ओके, और बायोग्राफी जो किसी दूसरे के द्वारा किसी और की जीवनी लिखी जाए। ओके, इन्होंने जो है बहुत से आर्टिकल किस मैगजीन के लिए, पत्रिका के लिए लिखा? तो यंग इंडिया के लिए इन्होंने लिखा। ओके, नेक्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो थीम है वह इंडियन सिविलाइजेशन का जो है पूरी तरह से यहाँ पे कंपेयर किया गया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, और इंडियन सिविलाइजेशन के मेरिट को बताया गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है आज भी जो है पूरी तरह से इसकी जो नींव है बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ पे साउंड फाउंडेशन याद करना होगा, विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ भी। ओके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इसके अंदर जो टेंडेंसी है किस चीज़ को ये विशेष देता है, विशेष अधिकार देता है? तो मटेरियलिटी, मटेरियल से रिलेटेड यानी वस्तु से रिलेटेड, सुख, भौतिकता, इन सब चीज़ से रिलेटेड। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन जो है यह उठाता है मोरल बीइंग को, ओके, नैतिकता को उठाता है। रोमन भी चला गया, ग्रीस के साथ भी वही हुआ, और फेरो की जो शक्ति है वो भी टूट गई। फेरो किसे कहते हैं? जो इजिप्ट के पुराने शासक होते थे उन्हें फेरो कहते थे। ओके, जापान जो है पश्चिमी सप्ताह में रंग गया। पश्चिमी सप्ताह में कौन रंगा? जापान। ओके, फेरो का अर्थ भी समझ में आ गया। चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया की फाउंडेशन बिल्कुल वैसी की वैसी रही, वह अडिग रहा। ओके, यूरोप जो है या यूरोपियन लोग जो हैं यह सीखते हैं ग्रीक, ग्रीस और रोमन के लोगों के लिखे हुए कृतियों से। ओके, जिनकी अपनी ग्लोरी जो है अब नहीं है, पहले उनकी जो है मर्यादा थी, अब नहीं है, उनकी ग्लोरी जो है ख़त्म हो चुकी है। इंडिया रिमेंस इमूवेबल एंड डैट इज़ हर ग्लोरी, इंडिया जो है बिल्कुल अडिग रहा और यही जो है इसकी ग्लोरी है, शान है। एक जो है चार्ज इंडिया के अगेंस्ट लगाया जाता है, वो चार्ज है कि यहाँ के लोग जो है अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं और स्टोलिड, स्लो विटेड यानी मंद बुद्धि, यह जल्दी से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। सिविलाइजेशन जो है एक मोड ऑफ कंडक्ट है। क्या है? मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का एक प्रकार, साधन जो बताता है कर्तव्य के रास्ते को। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कन्वर्ट होने वाले टर्म को कन्वर्टिबल यानी जो कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी को करना
या मोरालिटी का अनुसरण करना, ये एक दूसरे में जो है बहुत ही समान अर्थ रखते हैं, या एक दूसरे में जो है यह जो है वह चेंज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती जो मीनिंग है सिविलाइजेशन का, उसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। माइंड जो है, माइंड यह रेस्टलेस बर्ड है। माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। ओके, रेस्टलेस और बर्ड। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना पाता है उतना चाहता है, और फिर भी यह क्या होता है? अनसेटिस्फाई रहता है। ओके, जितना भी हम अपने पैशन में, चाहत में लिप्त रहेंगे, उतना ही यह बेलगाम हो जाता है। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वह उतना ही बेलगाम हो जाता है। आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज, ये एंसेस्टर फोर फादर, ये वर्ड्स याद करने के लिए हैं, क्योंकि जो है अगर लाइन एक्सप्लेनेशन आती है तो एंसेस्टर और फोर फादर का मोस्टली जो है यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने एक लिमिट लगाई है इंडलजेंस के लिए। इंडलजेंस किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ में लिप्त हो जाना जिसकी ज़रूरत नहीं हो, वो भी इंडलजेंस है, नाउन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल है। दिस सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस क्या है? एक मानसिक अवस्था है, मेंटल कंडीशन है। ओके, मेंटल कंडीशन कौन है? हैप्पीनेस है। आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, हमें लग्जरी और प्लेजर से, यानी प्लेजर आनंद और लग्जरी विलासिता, इनसे हमें कौन रोकता है? हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने रोका है। ओके, दिस सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। हमारी जो रियल खुशी है और हमारा जो स्वास्थ्य है, वो किस चीज़ में निहित है? किस चीज़ में है? हमारे हाथ और पैर के इस्तेमाल में है। ओके, द लार्ज सिटी, जो बड़े नगर हैं, वो एक जाल है, स्नेयर मीन्स जाल, एंड अ यूजलेस, और बिल्कुल जो है उनका उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इनकम्ब्रेंस एक बर्डन है, बोझ है, यूजलेस बर्डन है। वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रोब पीपुल, वकील और वैद्य जो हैं लोगों को नहीं लूटते हैं। ओके, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, ये भी बहुत VVI है। इससे आप जो है अगर यहाँ याद हो तो, अगर समरी भी लिखना है तो यू कैन राइट इट वेरी वेल। ओके, तो इंडियन सिविलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो यह है कि यह उठाता है मोरलिटी को, नैतिकता को, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है यह प्रोपोगेट यानी फैलाता है किस चीज़ को? इमोरलिटी और नैतिकता को फैलाता है। ओके, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं वेस्ट का जो है वो हेटर नहीं हूँ, घृणा करने वाला नहीं हूँ, या मुझे वेस्ट से नफरत नहीं है, पश्चिमी से मुझे नफरत नहीं है, पश्चिम से नफरत नहीं। ओके, आई हैव लर्न्ड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट्स। मैंने इससे जो है एक लेसन सीखा, और वह लेसन यह है कि हमें किसी भी कीमत पे इससे दूर रहना चाहिए। ओके, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है पूजा है किस चीज़ की? मटेरियल की, वस्तु की, भौतिकता की। ओके, सुख प्राप्ति के लिए। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस, यह जो एक पूजा है जो हमारे अंदर जो दानव होता है, पशु होता है उसकी, और यह जो है अनएडल्ट्रेट, इसमें कोई भी शक नहीं है, यानी कोई मिलावट नहीं है, यह पूरी तरह से मटेरियलिज्म है, भौतिकतावाद को जो है यह बढ़ावा देता है। ओके, यानी वस्तु की तरफ आकर्षण इसमें ज़्यादा है। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो विशेष खास जो गुण है, विशेषता है, वह यह है कि इसमें एक ऐसी मनुष्य की चाहत है, वॉन्ट्स चाहत है, जो इनडिफिनिट है, जो हमेशा बढ़ती रहती है। ओके, तो यहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में कुछ है जिसकी वजह से आज भी जो है इंडियन सिविलाइजेशन जीवित है। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोनियन की सभ्यता भी जो है ख़त्म हो गई, सीरियन सभ्यता, पर्शियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन इंडिया आज भी वैसे ही है। द इटली ऑफ गिब्बन, यहाँ पे इटली और गिब्बन, गिब्बन जो है एक इंग्लिश हिस्टोरियन है,
इनकी जो बुक है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी जो चाहत है इसको बढ़ाना यह हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर नहीं है, यानी खुद ही किसी चीज़ में लिप्त रहना। ओके हमारा जो कल्चर है इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, हमारी चाहतों को रोकना, जिसे हम सेल्फ डिनाइल यानी खुद से रोकना है। द गोल्डन फ्लीस ये जो है ग्रीक मीथ का टर्म है और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड मीनिंग में डिस्कस किया है। ओके द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न फिलोसफर है उनका जो मोटो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके प्लेन लिविंग सादा जीवन एंड उच्च विचार। सिविलाइजेशन जो है इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, यानी बहुत सी चीज़ों को चाहना ये सिविलाइजेशन नहीं है, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वंस, लेकिन एक जानबूझकर एक सोची हुई जो है रिस्ट्रिक्शन है चाहतों का रोकना है जो वह सिविलाइजेशन। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हारमोनी एंड कम्फर्ट इज नेसेसरी, या इसकी ज़रूरत है। ओके यहाँ पे फिजिकल हारमोनी एंड कम्फर्ट इज नेसेसरी। यहाँ पे कुछ और हम देख लेते हैं। मशीनरी मेक्स अ स्लेव एंड वी लॉस आवर मोरल फाइबर, ये मोरल फाइबर का मतलब कैरेक्टर, यहाँ मोरल फाइबर आएगा। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड, कौन सी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में मात नहीं खा सकती, तो वो इंडियन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव से हमारे जो पूर्वज थे वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। आवर एंसेस्टर इंजॉयड ट्रू होम रूल, हमारे एंसेस्टर जो है होम रूल को उन्होंने इंजॉय किया। यहाँ पे जो है डेट है और ये डेट से आप अपने को खुद से रिकॉल करें 1869 और 1948 में क्या हुआ था और 30 जैन 1948 में क्या हुआ था। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर नाउन है जो स्पेशल इस वर्क के साथ हैं, तो इसे भी आप रिकॉल करने की कोशिश करें। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, यंग इंडिया, रोम, ग्रीस, फेरो, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, इटली ऑफ गिब्बन, एटिक सिविलाइजेशन एंड गोल्डन फ्लेस। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाएगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। और मैं अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।